Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज का जो हमारा discussion topic है वो है interferons, okay? तो interferon जो ये नाम है हमने कई बार सुन रखा है ना? जब भी आप immunology की study करोगे, immune system के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ ये नाम encounter होगा. साथ ही साथ जब आप cancer के बारे में पढ़ोगे वहाँ भी ये नाम हमें कई बार सुनने को मिलता है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि interferons क्या होते हैं, वो कैसे work करते हैं, ठीक है? Right? तो देखो, इसके नाम में ही आधी बात छुपी हुई है, interferons, है ना? Let me take the marker first, okay? ठीक है? अब देखो ये लाइन देखो, as the name suggests, interferon, it interferes with the replication process of viruses. ये क्या करता है interferon? Viruses के replication process को interfere करता है, है ना? Virus के replication process को जब interfere कर देगा तो क्या होगा? Replication हो ही नहीं पाएगा, है ना? तो in short, ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो वायरस के रिप्लिकेशन प्रोसेस को ना होने दे, उसको इंटरफेयर कर दे, हम उसे इंटरफेरॉन कह रहे हैं. राइट? आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी. ओके, अब चलो हम नेक्स्ट देखते हैं. इंटरफेरॉन आर काइंड ऑफ साइटोकाइंस, ठीक है? ये एक तरह के साइटोकाइंस होते हैं. साइटोकाइंस यानी सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है? मैंने छोटा सा ब्रैकेट में लिख रखा है ना? तो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो, ऐसा होता है कि एक कोई सेल है, ठीक है? एक सपोज दिस इज अ सेल. अब इसमें वायरस, इस सेल ने वायरस को देखा या बैक्टीरिया को देखा और उस वायरस या बैक्टीरिया को अटैक किया, पकड़ा. अब इसे पकड़ने के बाद वो अपने दूसरे साथी को बुलाएगा, ठीक है ना? अपने जितने भी इसके फ्रेंड्स होंगे उनको बुलाएगा, डैट आई हैव गॉट समथिंग, है ना? तुम लोग जल्दी से आओ, इसे किल करना है, ये फॉरेन इन्वेडर है, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है? तो ये कैसे कर रहा है? ये सेल के बीच क्रॉस टॉकिंग हो रही है, ठीक है? तो ये चीज़ है, है ना? सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का ये काम है कि क्रॉस टॉकिंग में अदर इम्यून सेल्स के साथ क्रॉस टॉकिंग में ये हेल्प करते हैं. ओके, सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. राइट? चलो अब देखो, there are vast range of cell signaling molecule, one of them is interferon. अब देखो, cell signaling molecule ऐसा नहीं है कि बस ये interferons ही हैं, बहुत से cell signaling molecule हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? interferon के बारे में, ठीक है? तो उनमें से एक है interferon. right? अब देखो, ये कब एक्टिवेट हो रहा है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि interferon जो जिस biological molecule के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो कब एक्टिवेट होता है. अब देखो, इसका एक्टिवेशन कब होगा? गेट्स एक्टिवेटेड एंड रिलीज्ड इन रिस्पांस टू वायरल इन्फेक्शन और ट्यूमरोजेनेसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये. इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको इंटरफेरॉन के बारे में, ठीक है? कि ये कब एक्टिवेट होता है बॉडी में, सेल के द्वारा कब रिलीज किया जाएगा? तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन के रिस्पांस में ये रिलीज होगा, या फिर ट्यूमरोजेनेसिस, कैंसर अगर है तो उस केस में ये रिलीज होता है, ठीक है? या तो वायरल इन्फेक्शन में या फिर कैंसर में ये रिलीज हुआ करती है हमारे सेल के द्वारा. राइट? आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगा. अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर, क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रिलीज़ नहीं होगा इंटरफेरॉन? तो आंसर इज़ नो, है ना? जनरली ये चीज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रिलीज़ नहीं हुआ करती, है ना? ये स्पेसिफिकली हमें वायरल इन्फेक्शन में ही देखने को मिलती है. ओके, राइट? अब चलो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं. क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा? When a cell becomes infected, it responds by releasing biological molecule interferon. अब ये कब रिलीज होगा? जब कोई सेल इन्फेक्ट हो जाएगा, ऑफ कोर्स वायरस या फिर सेल कैंसरस हो गया, ठीक है? तो इस केस में ये रिलीज होगा, इस ये चीज़ हमने देखा. राइट? अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेट्स सी. तो देखो, दे ट्रैवल टू नियर बाई हेल्दी सेल्स. अब ये रिलीज होने के बाद नियर बाई हेल्दी सेल्स में ट्रैवल करेंगे. राइट? वन सेकेंड.
अब देखो, दे ट्रैवल टू नियर बाई हेल्दी सेल्स एंड बाइंड टू द रिसेप्टर. देखो नियर बाई हेल्दी सेल्स में ये ट्रैवल करेंगे और रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे. ठीक है, ये रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं एंड अलर्ट देम अबाउट फॉरेन पार्टिकल. ठीक है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है मैं एक बार फिर से क्लियरली पढ़ देता हूँ. दे ट्रैवल टू नियर बाई हेल्दी सेल्स एंड बाइंड टू द स्पेशल रिसेप्टर ऑफ दोज सेल्स एंड अलर्ट देम अबाउट फॉरेन पार्टिकल्स. अब क्या होगा, ये रिलीज तो हुए. ठीक है, अब रिलीज होने के बाद एक सेल से सपोज इंटरफेरॉन रिलीज हुआ, राइट. ठीक है, अब वहाँ से ये निकला, अब ये दूसरे सेल के मेम्ब्रेन यूँ कहें कि रिसेप्टर पे जाके अटैच हुआ और उन्हें अलर्ट करता है कि हमारे बीच कोई घुसपैठिया घुस आया है, फॉरेन इन्वेडर है जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है. सो बी अलर्ट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ्स. बाकी सारे सेल को, अपने नेबरिंग सेल को ये जाके चेतावनी देता है कि हमारे बीच कोई घुसपैठिया है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो. ठीक है, आप पे भी अटैक हो सकता है. ओके, सो मैं इस चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ. दो डायग्राम इज हॉरिबल बट स्टिल आई विल शो यू. ओके, देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो. अब देखो ये एक सेल है, राइट, समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब ये बीच में मत जाना. ओके, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस है ये. ठीक है, इस पे बात नहीं कर रहे हैं. ये एक सेल है, अब यहाँ पे है, ये रहा हमारा वायरस, आ बैठा है इस सेल को, इसने इन्फेक्ट किया हुआ है, राइट. अब क्या होगा कि यहाँ से इंटरफेरॉन्स हमारे निकल रहे हैं. ठीक है, इस सेल से इंटरफेरॉन्स निकल रहे हैं. देखो डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है. ठीक है, इस सेल से इंटरफेरॉन्स निकल रहे हैं और आके अपने आसपास के नेबरिंग सेल्स, यहाँ मैंने दो सेल्स दिखा रखे हैं, जितने भी नेबरिंग सेल्स होंगे, इसके आसपास के सेल्स होंगे जो हेल्दी सेल्स होंगे, उनके रिसेप्टर पे जाके ये अटैच हो जाएगा. ठीक है, उनके रिसेप्टर पे जाके ये अटैच होगा. देखो दिस सेल्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर हेल्दी. ठीक है, ये हेल्दी सेल्स हैं, अब इनके रिसेप्टर से ये अटैच हो जाएगा और इन्हें अलर्ट करेगा ताकि ये खुद को प्रिपेयर कर सके उस वायरल अटैक के लिए. ठीक है, उसके बाद सेल जो है वो खुद को प्रिपेयर करती है. ओके, तो आई होप एक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. एक चीज़ मैं और बता दूं कि इंटरफेरॉन का जो बायो जो नेचर है वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं. ठीक है, दीज आर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, इस चीज़ को ध्यान में रखना, राइट. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर इट. ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.